हुई। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश दौरे को लेकर चर्चा हुई। साथ ही बैठक में सीएम राजे ने भाजपा विधायकों को टास्क सौंपे। पीएम नरेंद्र मोदी की झुंझुनू में होने वाली सभा के मद्देनजर हर विधायक को ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता और लोगों को शामिल करने के लिए टास्क सौंपा गया है। बैठक में सत्तारूढ़ दल के प्रदर्शन और उपचुनाव के बाद उपजे हालातों पर भी चर्चा हुई। इस बार भी विधायक दल की बैठक में 35 विधायक अनुपस्थित रहे। 15 विधायक तय समय से देरी से बैठक में पहुंचे। देरी से आने वाले विधायकों पर जुर्माना लगा। हालांकि अनुपस्थित रहने वाले विधायकों से 1000 रुपए और देर से आने वाले विधायकों से 500 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री वी सतीश और प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी मौजूद रहे। बैठक में सह संगठन महामंत्री वी सतीश ने उपचुनाव की हार के बाद उपजी निराशा दूर करने की कोशिश की है और हर मंगलवार को विधायक दल की बैठक होना तय है। उसी के तहत विधायक दल की बैठक थी और इसमें जुबिनेश भी प्रधारित है, इसलिए विशेष तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी जो झुंझुनू में पधार रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत के लिए, इसलिए वो भव्य कार्यक्रम कैसे बने इसके ऊपर थोड़ा सा उनका मार्गदर्शन हुआ। बैठक में विधायकों की अनुपस्थिति पर संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने नाराजगी जताई। राठौड़ ने कहा कि अनुपस्थिति का आलम सदन में भी रहता है, वो तो विपक्ष कोरम की मांग नहीं कर रहा वरना दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। सदन के अंदर विपक्षी हमलों का करारा जवाब देने की रणनीति तय हुई, लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम ये रहा कि संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि बजट घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की जरूरत है। इसके लिए मुख्यमंत्री सभी कलेक्टर्स को निर्देश दे जिससे तय समय पर घोषणाएं जमीन पर उतर जाए। जी मीडिया के लिए नरेश शर्मा, ऐश्वर्य प्रधान, ऋतुराज शर्मा, शशि मोहन शर्मा, अभिषेक श्रीवास्तव के साथ योगेश शर्मा की रिपोर्ट।